Hello guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is Virendra Singh and in this video tutorial I'm going to discuss about how to prepare the DBT-JRF examination. आप लोग जुड़े हुए हैं Smart Learning Academy पे. DBT-JRF examination को prepare कैसे करें, कैसे tackle करें, बड़े समस्या आ जाती है कि यार इस exam में जो है इतनी सारे syllabus से इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, क्या pattern होगा. बहुत सारा detail में आपको डिस्कस नहीं करूंगा, जो ब्रोशर में अवेलेबल है, वेबसाइट पे अवेलेबल है, पेपर्स है, इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें तो आप लोग रीड कर सकते हैं. प्रॉब्लम जहाँ पे आती है कि पेपर को कैसे टैकल करना है, प्रिपरेशन को कैसे लेके जाना है अपने, ठीक है. तो उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि कैसे अपने प्रिपरेशन को DBT-JRF के मोड पर लेके जाऊँ, ठीक है. या किसी भी एग्जाम में अभी डिस्कस करूंगा आपसे NII के बारे में, BARK के बारे में, इन सब के बारे में भी डिस्कस करने वाला हूँ. चैनल पर वीडियो सबके लिए अपलोड कर दिए जाएंगे कैसे प्रिपेयर करना है DBT, BARK या इन सब एग्जाम के बारे में. आज जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो DBT के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ. सो DBT एग्जाम जो होता है ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंडक्ट कराती है. जैसा कि आप लोग को पता होगा कि ये जो एग्जाम होता है ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT, ठीक है, DBT कंडक्ट कराती है. आप लोग को पता होगा कि DBT जो होता है इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है. अब बात आता है कि ये किस लिए होता है जी. ये जो होता है PhD एग्जाम के लिए होता है. PhD जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है, गवर्नमेंट फंडेड है, प्राइवेट फंडेड है, वहाँ पे PhD के लिए होता है. ये आपको फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, DBT-JRF एग्जामिनेशन. अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होंगी. फॉर्म अभी कुछ दिनों में आ जाएगा, 10-15 दिन में फॉर्म आ जाता है. जनरली 20-25 फरवरी के आसपास एग्ज़ाम आता है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में आसपास जो होता है एग्ज़ाम होता है, ठीक है. सो पहले बात करते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है. पेपर पैटर्न के ऊपर हम मूव करने की कोशिश करेंगे. व्हाट शुड बी द पेपर पैटर्न. पेपर पैटर्न क्या है जी. अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि पेपर पैटर्न क्या होना चाहिए, पेपर जो है उसका पैटर्न क्या होना चाहिए जनाब, तो इसका जो पैटर्न होता है दो पेपर्स होते हैं, दो सेट होते हैं. यही सबसे बड़ा टास्क होता है कि बड़ा ही बहुत वास्ट सिलेबस होता है DBT-JRF का. क्या होता है, दो सेक्शंस होते हैं, एक होता है ए, दूसरा होता है बी. दो सेक्शंस होते हैं आपके पास, ए एंड बी. ए सेक्शन जो होता है इसमें आपके एप्टीट्यूड होते हैं. जो ए सेक्शन होता है इस एक सेक्शन में आपके एप्टीट्यूड होते हैं. क्या होता है जी, एप्टीट्यूड होता है. ए सेक्शन में बात करें तो ये एप्टीट्यूड होता है और जनरल बायोटेक्नोलॉजी होते हैं. क्या होता है, जनरल बायोटेक्नोलॉजी, एप्टीट्यूड एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन होता है ए. और बी जो होता है ये आपका जनरल, इसमें जनरल बायोटेक्नोलॉजी होता है और होता है स्पेशलाइज्ड बायोटेक्नोलॉजी. जनरल बायोटेक्नोलॉजी और स्पेशल बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों सेक्शंस होते हैं किसमें, जनरल बायोटेक्नोलॉजी और स्पेशल जो होता है बी सेक्शन में होते हैं. ए सेक्शन में आपके टोटल 50 क्वेश्चंस ही होते हैं. ए सेक्शन में टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, आप इसको छोड़ नहीं सकते. और बी सेक्शन में आपको मिलते हैं 150 क्वेश्चंस. इस 150 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 50 अटेम्प्ट करने होते हैं. कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 अटेम्प्ट करने होते हैं. तो चॉइसेस जो मिलते हैं आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन बी में मिलती है, सेक्शन ए में आपको कोई चॉइस नहीं मिलती. आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं, मतलब आपको जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करना है. अब ये नहीं है कि 50 के 50 अटेम्प्ट करने का ये मतलब नहीं है कि आए चना है अटेम्प्ट करना है. कंपल्सरी का मतलब ये होता है कि वो आपको सब करना है जितना आता है आपको, ठीक है, उसमें च्वाइसेस नहीं मिलती आपको. सो बात आती है कि ये तो रहा पेपर पैटर्न, ठीक है, कि इस पेपर पैटर्न से आपको चलना है कि इस तरीके से चीजें चलेंगी. अब बात आता है कि 50%, ठीक है, 50 क्वेश्चंस है. कितने नंबर मिलते हैं जी, 50 क्वेश्चंस पार्ट ए के, 50 क्वेश्चंस जो होते हैं पार्ट बी के. ये होता है 3 मार्क्स का, ये होता है 3 मार्क्स का. टोटल आप देखोगे तो 150 और ये 150. टोटल पेपर जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है. कितना होता है, 300 मार्क्स का, ठीक है. अब निगेटिव मार्किंग कितनी होती है जी, करेक्ट करने पे आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, जबकि इनकरेक्ट करने पे बात करेंगे तो आपको मिलते हैं -1. इनकरेक्ट करने पे मरते हैं -1, यानी कि 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है, जो कि थोड़ा सा अच्छा निगेटिव मार्किंग माना जाता है, 1/3 की मार्किंग. यह है पेपर का पैटर्न, दो सेक्शंस जिसमें एक जनरल बायोटेक्नोलॉजी और एप्टीट्यूड के बारे में पूछा जाता है. बी का मतलब है जनरल बायोटेक्नोलॉजी और स्पेशलाइज सेक्शंस जो होते हैं यहाँ पे आते हैं. ये तो आपका पेपर पैटर्न हो गया. अब सवाल उठता है कि ये सारी चीजें तो चलो कई लोगों को पता होंगे कि ये पेपर पैटर्न है, इस तरीके से चलेंगे. व्हाट इज स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए. तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, ठीक है,
क्या कुछ चीजें, कुछ टिप्स आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। वो टिप्स याद रखना कि जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं ना, उसमें जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें कुछ यूनिट्स या कुछ सिलेबस बहुत कॉमन होते हैं, उन सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा मैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज डिस्कस करूंगा कि मैं आपको बता दूं, कट ऑफ जो जनरली जाता है वो जाता है 50-60% DBT-JRF के एग्जाम में, जो कट ऑफ जाता है 50-60% जाता है। इसको टारगेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, 50 क्वेश्चंस आपके पास होते हैं सेक्शन ए के पूरे। अब 50 क्वेश्चंस जो होते हैं पार्ट बी में, एक ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि पार्ट बी का ये तो चलो आपके पास आपके पाले में पड़ता है, ये जो 50 क्वेश्चंस होता है आपके लेवल के होते हैं, आपके पढ़ाए हुए होते हैं, लेकिन जो पार्ट बी में होता है इसमें 20-25 क्वेश्चंस जो होते हैं वो जनरल बायोटेक के ही होते हैं जनाब। सिर्फ और सिर्फ 20-25 क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको निकालना है। आप इसको कहां से निकालेंगे, इसका निकालने का भी तरीका है कि इसको कैसे निकालना है, कैसे टारगेट करना है, उसका भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा यहां पे। लेकिन ट्रिक बताने से पहले कुछ छोटी सी चीजें, जैसे वो छोटी सी चीज क्या है जनाब, देखने की कोशिश करिएगा कि आपको क्या करना है जी, आपको करना है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे बायोकेमिस्ट्री कहीं नहीं, हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है। सेल बायोलॉजी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो पूछा जाता है, फंडामेंटल पूछा जाएगा, आरडीटी पूछा जाएगा, सेल बायोलॉजी ये सारी चीजें होगी। इसके बाद टेक्निक्स, यस वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक्स पूछा जाएगा, ये सारी चीजें पूछी जाती। ये बायोलॉजी के कुछ ऐसे कोर टॉपिक्स होते हैं लाइफ साइंस के जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो आप इनको अवॉइड मत करना, अगर आप अवॉइड करोगे तो दिक्कत होगा, इनको अवॉइड करने की जरूरत नहीं, इनको पढ़ना ही पढ़ना है। अब मैं बात करता हूं सिलेबस के लिए, जरा सा देखना कि जनरल बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या इंक्लूडेड है। वो सब कुछ जो आप पढ़ते हो कॉन्सेप्ट तो बदल नहीं जाएगा, अगर आप अपने बेसिक्स पे क्लियर करोगे, अपने बेसिक्स पे वर्क करोगे ना, तो आपको चाहे CSIR हो, चाहे DBT हो, चाहे गेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, इस फील्ड का आप टैकल कर लोगे अगर आप अपने बेसिक्स पे वर्क करते हो, उसके थ्रू पढ़ते हो। अगर मैं जनरल बायोटेक्नोलॉजी का आपको सिलेबस बताता हूं, जनरल बायोटेक्नोलॉजी जो कि सेक्शन ए में पूछा जाता है, सेक्शन ए में ऑलमोस्ट इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो 40 क्वेश्चंस होते हैं। कितने 40, क्योंकि 10 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं, और इसके अलावा पार्ट बी में ऑलमोस्ट 20-25 क्वेश्चंस होते हैं इसके। अब देखना क्या होता है कि जनरल बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से सेक्शन है, जैसे कि आपके हैं बायोमोलिक्यूल बायोकेमिस्ट्री, जैसा कि मैंने बोला बायोकेमिस्ट्री है, उसके बाद दूसरा क्या है, उसके बाद है मेथड्स है आपके पास। दूसरा अगर मैं बात करता हूं कि उसके बाद है सेल बायोलॉजी है यहाँ पे, सेलुलर प्रोसेसेस, सेल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, सेलुलर प्रोसेसेस, फंडामेंटल प्रोसेसेस, ये सारी चीजें होती हैं। आरडीटी यहाँ पे आता है, आरडीटी है, इवोल्यूशन है यहाँ पे, इवोल्यूशन आपका आता है, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, इसको छोड़ना नहीं है, कई लोग इसको छोड़ देते हैं, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन आपके सेक्शन बी पार्ट बी में, ये तो पार्ट ए के पार्ट है, किसके हैं, पार्ट ए को टैकल करने का। क्या बायोकेमिस्ट्री आप पढ़ नहीं सकते, आप पढ़े हुए होंगे, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो पढ़ लो, अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूं, वहां से भी पढ़ सकते हो, मेथड्स भी पढ़ सकते हो, टेक्निक्स, सेल बायोलॉजी, सेल कम्युनिकेशन, आरडीटी, ये ऐसी चीजें हैं जो कि DBT-JRF में भी आते हैं। ये ऐसी कॉमन चीजें हैं जो कि पूछी जाती हैं, आप इसको छोड़ नहीं सकते। इवोल्यूशन के साथ साथ जेनेटिक्स भी आता है जो क्लासिकल जेनेटिक्स होता है। ये कोर जनरल बायोटेक्नोलॉजी है, इसको छोड़ना नहीं है। आप देखना इसका अभी जब मैं NII भी देखोगे, आप बार्क भी देखोगे, तो इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। लेवल जो होता है क्वेश्चन पूछने का, ज्यादातर इनका जो अप्रोच होता है वो बेसिक अप्रोच होता है, मतलब कि जैसे गेट के क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल चीजों पर, फॉर्मूला बेस्ड ये चीजों पर फोकस करना, ठीक है, जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स होते हैं उन पे भी फोकस करना, एंजाइम काइनेटिक्स, ये सारी चीजें, ये है जनरल बायोटेक्नोलॉजी का सेक्शन, इसको आप टैकल आराम से कर सकते हो। अब बात करता हूं जनरल बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन, आपने पार्ट ए देख लिया, इसको पढ़ने के अगर सोर्स के बारे में बात करो कि पढ़ना कहां से, तो अनअकैडमी पढ़ सकते हो, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर सकते हो, पाथफाइंडर प्रेफर कर सकते हो, जो ठीक लगता है वहां से कर लो, लेकिन इस तरीके से सिलेबस को यहां से ले सकते हो। नाउ इसके बाद मैं बात करता हूं पार्ट बी के लिए। पार्ट बी का सेक्शन जब आता है तो इसमें हम जब बात करते हैं तो इसमें क्या चीजें चल रही होती है, इसमें आता है एक एग्रीकल्चरल बायोटेक। जो लोग भी प्लांट लेते हैं, जिनका बॉटनी होता है, प्लांट पढ़ रहे हैं, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो, आप लोग इसको ऑप्ट करो, जिनको प्लांट के बारे में अच्छा आता है, क्योंकि एग्रीकल्चरल में ज्यादातर क्वेश्चन आप सिलेबस उठा के देखोगे ना तो इसी से पूछा जाता है।
जिनको एनिमल या जूलॉजी के बारे में आता है वो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी पे जाओ, एक सेक्शन आता है एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, ये जूलॉजी वाले लोग जाओ जिन जूलॉजी करते हैं, इसके सिलेबस के कुछ चीजें पढ़ लो। मैं बात करता हूँ जो लोग बायोटेक्नोलॉजी के हैं, बायोप्रोसेस के हैं, जो इस फील्ड से हैं, बायोटेक फील्ड से, वो जाओ एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, एक सिलेबस है कि एमटेक का सिलेबस है, एमटेक बायोटेक या बायोइन्फॉर्मेटिक्स या समथिंग लाइक दैट, इसके लिए जाओ। ये क्या है, बायोटेक एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स, यहां से जा सकते हो। नाउ उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल आता है जिनको इन्वायरमेंटल पसंद है वो जा सकते हैं, जो इस फील्ड से है नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो। एक कॉमन जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा जिसमें कि कुछ रिस्पिरेशन वाली चीजें आती हैं, टीसीएसआई के लिए सारी चीजें आप ऑप्ट कर सकते हो, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी आप जा सकते हो, फिजियोलॉजी अगर पढ़ रहे हो ये आपके बायोप्रोसेस इन सब चीजों से होता है। इसी में एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स आता है जो नेक्स्ट सेक्शन होता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद जो लोग मरीन से है मरीन पढ़ सकते हैं, ठीक है, मरीन से मरीन पढ़ सकते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, अब देखो वही चीज है, मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स, ये आपके पार्ट ए में भी होता है, पार्ट बी में भी होता है। एक सेक्शन आता है जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, एक सेक्शन आता है जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स। जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स जो आता है ये भी आपका क्या होता है, उसी पार्ट में है जिसमें कि पार्ट ए में और पार्ट बी में भी आता है, कॉमन। उसके बाद बात करता हूँ न्यूरोसाइंस, अगर जो लोग न्यूरोसाइंस फील्ड से हैं, जो लोग बहुत डिटेल में पढ़े हो इसके जा सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस। उसके बाद आता है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, इसको भी आप स्किप कर सकते हो अगर आपका फील्ड नहीं है, जिसका फील्ड है आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन जो कॉमन सिनेरियो है जीनोमिक्स प्रोटियोमिक्स मॉलिक्यूलर ह्यूमन जेनेटिक्स, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के कई सेक्शंस आते हैं, एग्रीकल्चरल के कई सेक्शंस आते हैं, जो कि कॉमन मिलेंगे, कई सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे, किससे कई सारे टॉपिक्स जो मिलेंगे वो मिलेंगे पार्ट ए में, तो ऑलमोस्ट ये कॉमन होते हैं, तो उनको ढंग से पढ़ोगे तो यहाँ पे चीजें निकल आएंगी। तो ये अगर ऑन एन एवरेज लेके चलोगे ना, तीन से चार क्वेश्चंस, तीन से चार या पांच क्वेश्चन जो होते हैं ऑलमोस्ट ये देखेंगे तो तीन से चार, सॉरी, ठीक है, अगर मैं इसको बात करता हूँ आपसे तो तीन से चार ना करके, ठीक है, अगर जनरली बात करेंगे तो कितने क्वेश्चन आते हैं, टोटल जितने यूनिट्स यहाँ पे होते हैं 10 यूनिट्स, ठीक है। क्वेश्चन जो आते हैं पार्ट बी में, मैंने जैसा बताया कि आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन जो होता है पार्ट बी में, कितने क्वेश्चन होते हैं 150, 150 में से 20 से 25 क्वेश्चन जनरल बायोटेक के हैं, इसके बाद बचे 125 क्वेश्चन, इसको आप अगर देखोगे 10 से डिवाइड करके तो ऑलमोस्ट 12 से 13 क्वेश्चन जो होते हैं हर एक यूनिट से ऑन एन एवरेज होते हैं, और 12 से 13 यूनिट में अगर जो मैंने यूनिट्स बताई आराम से 3 से 4 क्वेश्चन ऑप्ट कर लोगे, और वो मैंने बताए थे 5 यूनिट्स इसको टारगेट कर सकते हो, 4 उसमें से कॉमन थे, तो अगर आप देखोगे भाई तो 20 क्वेश्चन तो बन गया ना, 4 लेके चल रहे हो तो हो तो गया 20 क्वेश्चन, आपको 20 क्वेश्चन 20 से 25 यहां से उठाए, 20 उठा लिए, हो गए आपके 100 के 100 क्वेश्चन टारगेट। तो इतना परेशान होने की बात नहीं कि इतना वास्ट सिलेबस है क्या करे क्या नहीं करे, जो पढ़े हुए हो वो पढ़ो। अब बात आती है कि ये तो था कि सिलेबस को इतना टैकल करना, इतना परेशान नहीं होना, कि अब चीजें कैसे करें, कि पढ़े कहाँ से, इतना मटेरियल अवेलेबल है, इतनी चीजें अवेलेबल नहीं। पहली चीज की किसी भी चीज को प्रिपेयर करना होता है तो हमेशा उसके PYQs के थ्रू जाओ, जो PYQs है, दो जितने पेपर्स आपके मिल रहे हैं 2019 से लेके 2012 तक जो भी आपको मिल रहा है, जहां तक पेपर मिल जा रहा है सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। और टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं, जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं उनको जाके बुक से लर्न करो, स्टैंडर्ड बुक्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे मेरे, और अगर नहीं मिलते तो आप जनरल कहीं गूगल से भी डाउनलोड कर सकते। उसके अलावा आप गेट के क्वेश्चंस को कभी मत छोड़ना, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो गेट एक्सेल और गेट बायोटेक, स्पेसिफिकली गेट के क्वेश्चंस को मत स्किप करना, जो लोग की कुछ कॉमन सेक्शंस को टारगेट कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ये आपका टैकल करने का तरीका कि कैसे आप टैकल कर सकते हो। PYQs को नहीं छोड़ना है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ DBT के PYQs, गेट बायोटेक एक्सेल के PYQs भी ढंग से करके चले गए। PYQs का मतलब क्या है, रटना नहीं है आंसर को, उसको सॉल्व करना है, अगर टॉपिक नहीं आता तो उसको जाके लर्न करना है, ये है PYQs सॉल्व करने का मतलब। मतलब रिवर्स मेथोडोलॉजी अप्लाई करना है, पहले क्वेश्चन से पढ़ने की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये अप्लाई करोगे तो आप सॉल्व कर लोगे, ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ शॉर्ट टाइम में ये आपको अप्लाई करेगा, शॉर्ट टाइम में हेल्प करेगा क्लियर करने के लिए। सो अल्टीमेटली ध्यान रखना कि PYQs आपको काफी इंप्रूव कराने वाला है, काफी अच्छा लेके जाएगा ये PYQs, तो इसको भूलना नहीं आपको, ठीक है। PYQs को सॉल्व करना मत भूलना, सबसे ज्यादा हेल्प आपको PYQs करने वाला है। सोर्सेज के लिए जैसा मैंने बताया, स्टैंडर्ड बुक्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे हमारे, स्टैंडर्ड बुक्स आपको चाहिए आप पाथफाइंडर रिफर कर सकते हो, अगर आप चाहो तो पाथफाइंडर रिफर कर लो, या उसके अलावा अगर मैं बात करूं पाथफाइंडर के अलावा आप PYQs मत छोड़ना,
और अगर इसके अलावा कोई बुक चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए तो पाथफाइंडर का एमसीक्यू आता है, उसको सॉल्व कर लो, ठीक है, उसको सॉल्व कर लो, उतना सफिशियंट हो जाएगा। बट मैं यही कहूंगा पीवाईक्यूज किसका, गेट का भी इंक्लूड करना है, एक्सेल और बीटी का, ठीक है, ये आपके टेक्निक होनी चाहिए। अब बात आती है पर डे शेड्यूल के लिए कितना पढ़ना चाहिए। तो जो लोग सीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मुझसे पढ़ रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे या जैसे भी, तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ऑलमोस्ट आप देख रहे होंगे कि जनरल बायोटेक का सेक्शंस मैं कंप्लीट करा ही दूंगा, ठीक है, मार्च तक सब फिनिश हो जाने वाला है। इसके बाद कुछ चीजें बची स्पेशलाइज्ड के लिए, तो वो आप थ्रू द पीवाईक्यूज देख देख के सॉल्व कर सकते हो। आप सॉल्व करोगे पीवाईक्यूज तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो हमेशा बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू कैन डू डीबीटी, इट इज वेरी इजी एग्जाम, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। बिलीव इन योर सेल्फ, जस्ट बी काम एंड गो टू द एग्जामिनेशन हॉल, डेफिनेटली यू कैन डू इट। ओके, सो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में आप अपना कोई भी क्वेरीज है तो भी भेज सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, और आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी या SLA पे अपने एग्जाम क्लियर करने के लिए कॉन्फिडेंटली और स्मार्टली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। CSIR नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बींग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेन सिंह बनाऊंगा आपके CSIR नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।